Hello viewers, welcome back to our YouTube channel Amina Ansari. Many viewers have been asking a similar question that how to introduce batting to beginners. कैसे beginners को batting सिखाया जाए? So जब भी हम batting की बात करते हैं तो इसमें कई सारे fundamental skills involved होते हैं, जैसे कि कैसे bat को grip करना है, आपका stance कैसा है, ठीक है, आपका backlift कैसा है, ठीक है, फिर stroke play आ गया, आपका hand eye coordination हो गया, footwork हो गया, तो ये सारे skills मिलाकर एक complete batter आप बनते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन पे हिट कीजिए. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे बैट के हैंडल को ग्रिप करना है. सो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हाउ एंड वेयर, कैसे बैट को पकड़ा जाए और कहाँ बैट को पकड़ा जाए. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैसे बैट को ग्रिप किया जाए, ठीक है. तो इसके लिए आपको दो चीजें जाननी होंगी, टॉप हैंड, बॉटम हैंड एंड बैट का डिस्क्रिप्शन. तो पहले मैं बैट का डिस्क्रिप्शन दूंगा. ये आपका हैंडल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बैट का हैंडल है, ये आपका बैट फेस है, ये बॉटम ऑफ द बैट है, इसे टोबी कहते हैं, और ये जो इतना एरिया आपका दिख रहा है 6 से 7 इंच जो है ये आपका स्वीट स्पॉट है, ठीक है, और ये है बैट का बैक साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा. ये जो बैट का आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हैंडल का वी है, इसे हम स्प्लाइस कहते हैं, ठीक है. और जैसे कि मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो ये जो मेरा हिस्सा है एज, ये जो एजेस हैं, तो ये जो एज है इसको हम बोलेंगे आउटर एज, और जो ये मेरा बॉटम हैंड की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा है, पैर से इधर जा रहा है, इसे हम कहेंगे इनर एज. ये मैं टर्म बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे आने वाली वीडियो में इसे हम कई बार बोलेंगे, ठीक है. तो आप ये समझ लीजिए, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, और ये स्प्लाइस है. और स्प्लाइस में भी आप देख सकते हैं, ये इनर स्प्लाइस है, ये आउटर स्प्लाइस है. जो बैट का हैंडल है इसमें इनर स्प्लाइस, आउटर स्प्लाइस. सो ये आपका बैट का डिस्क्रिप्शन हो गया. अब हम आते हैं टॉप एंड बॉटम हैंड पे. तो बीट राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर, आपका जो टॉप हैंड है, जो आपका टॉप हैंड है, ये डोमिनेंट होगा और यही शॉट को कंट्रोल करेगा, ठीक है. तो आपको ये जो टॉप हैंड है वो आपको काफी टाइटली होल्ड करना है, ठीक है. और आपका बॉटम हैंड जो है ये सिर्फ सपोर्ट करेगा और गाइड करेगा शॉट को, ठीक है. शॉट मेकिंग जो भी आप स्ट्रोक प्ले करोगे उसमें सिर्फ ये गाइड करेगा आपको, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू होल्ड इट टाइटली, आपको सिर्फ ये दो फिंगर से पकड़ना है, ठीक है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर से होल्ड करना है, एंड बाकी जो फिंगर्स हैं ये बहुत मतलब आराम से आप रखेंगे, ज्यादा टाइटली नहीं रखेंगे, ठीक है. तो आपका ये ग्रिप हो गया, कैसे आपको होल्ड करना है, बॉटम हैंड को कितना टाइट करना है और टॉप हैंड को कितना टाइट करना है, ठीक है. और राइट हैंडर का जो टॉप हैंड है वो उसका लेफ्ट हैंड हो गया, और बॉटम हैंड राइट हैंड, ठीक है. और इसी तरीके से लेफ्ट हैंडर का टॉप हैंड जो है वो उसका राइट हैंड हो गया, और बॉटम हैंड उसका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से ये डिफाइन हो गया टॉप और बॉटम हैंड आपका क्या है, ठीक है. अब हम आते हैं बैट को ग्रिप कैसे किया जाए. तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा, ये ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, या आप कह लो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि बच्चे बिगिनर्स हैं, इनको अगर हम पहले से ही बहुत अलग सी चीजें बताएंगे तो फिर ये अपने गेम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो हम इनको कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ही बताएंगे ग्रिप करने का, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, आउटर एज बताया था, ये स्प्लाइस है, तो मैं अपना राइट हैंड, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, इसको प्लेस कर लूंगा ऐसे स्प्लाइस के ऊपर और एज के ऊपर. एंड ये जो हमारा टॉप हैंड है, इट शुड बी समवेयर बिटवीन स्प्लाइस एंड दी आउटर एज, ओके. ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. सो इसको हम फील करते हुए, हाथ से फील करते हुए ऊपर आ जाएंगे, एंड ये मैंने ग्रिप कर लिया. अब आप देख सकते हैं मेरा जो ग्रिप है, ये जो वी बन रहा है, इट इज समवेयर बिटवीन स्प्लाइस एंड आउटर एज, ठीक है. अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, मैं इसका इंपॉर्टेंस का ये भी बताऊंगा अभी, पहले हम इसे चेक कर लेते हैं. जब मैं इसे होल्ड करूंगा बैट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है, आप मेरे रिस्ट पोजीशन को देख सकते हैं, कोई एंगल नहीं बन रहा है, इट इज वेरी मच स्ट्रेट, ठीक है. अब स्ट्रेट होने का फायदा क्या है, जब ये आपका एल्बो सीधा होगा तो आपकी शॉट मेकिंग ना, आप सारे शॉट खेल पाओगे, जो भी शॉट करोगे, कट करोगे, पुल करोगे, सारे शॉट खेल लोगे. लेकिन अगर आप इसी को, अब अगर आपने सपोज बैक ऑफ द स्प्लाइस एंड इनर एज पकड़ लिया, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो रिस्ट पोजिशन है ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. इसमें क्या है, आपका शॉट चलेगा नहीं, यहां बहुत स्टिफ सा महसूस होगा, ठीक है. तो
एक प्रॉब्लम यह है, अगर आप स्प्लाइस और इसके इधर ज्यादा पकड़ लेते हैं, जैसे ऐसे देख सकते हैं आप, ये वी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसे पकड़ लेता हूं तो मेरा हाथ आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट फेसिंग डाउनवर्ड। तो इसमें भी बहुत अनइजी सा फील हो रहा है यहाँ पे मुझे, बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट पे जो है ऐसा लग रहा है लॉक हो गया है। तो दोनों सिनेरियो में अगर आप ज्यादा इधर पकड़ लें या ज्यादा इधर पकड़ लें तो उसमें आपको लॉक और स्टिफनेस सा महसूस होगा। सो जो इसीलिए कन्वेंशनल जो स्टाइल है बैटिंग का वो यही बताता है, आप ग्रिप जो है समवेयर बिटवीन स्प्लाइस एंड फ्रंट एज, ठीक है, आप इनके बीच कीजिए और ये वी बना के आप यहां प्लेस करके सीधे ऊपर ले आइए, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा वी ऐसे, और इसको चेक आप मैच में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी वे है। आपका जो ये रिस्ट है ये पॉइंट कवर के तरफ जाना चाहिए, कवर को फेस करना चाहिए, कवर फील्डर होता है उसके पास फेस करना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कवर के आसपास, ठीक है। तो आपका रिस्ट पोजीशन सही होगा, ठीक है। तो आपका टॉप हैंड हो गया, एंड टॉप हैंड शुड बी टाइटली, जो आपका टॉप हैंड है वही कंट्रोल करेगा शॉट को, वही पावर जनरेट करेगा, ठीक है, वही कंट्रोलिंग होगा। अब आते हैं बॉटम हैंड को कैसे ग्रिप किया जाए। तो बॉटम हैंड के लिए क्या है, ये जो आप स्प्लाइस देख सकते हैं फ्रंट का स्प्लाइस, बैकवर्ड नहीं फ्रंट का, तो ये फ्रंट के स्प्लाइस के ऊपर आप ले लीजिए, बहुत इजी है। ये आपने वी रखा और स्प्लाइस से आपने मैच कर लिया अपने हाथ को, ये वी देख सकते हैं मेरा वी जो है ये फ्रंट स्प्लाइस पे जा रहा है, ठीक है, इसके ठीक ऊपर ही है। अब जो मेरा ग्रिप आ गया वो ये आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है, आप देख सकते हैं सारा शॉट चल रहा है, ठीक है, इसमें कट पुल स्क्वायर कट, इसमें बहुत इजीनेस है, सारा शॉट खेल सकते हैं, बैक फुट पंच भी खेल सकते हैं, कवर ड्राइव भी इसी ग्रिप में आप कवर ड्राइव सारे शॉट खेल सकते हैं, स्क्वायर सारे शॉट आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। अब अगर क्या होता है, आप इसको ज्यादा पीछे पकड़ लें, बॉटम हैंड को स्प्लाइस और इनर एज के पीछे पकड़ लें, जैसे मैंने ये पकड़ा है, देख सकते हैं आप, इसमें क्या होगा, मेरा बैट का फेस हमेशा बंद रहेगा, देखिए हमेशा गिरा हुआ रहेगा। अब इसमें शॉट को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगी, अगर मैं स्ट्रेट ड्राइव भी मारूंगा ना तो मेरा वो ऑन साइड में ही जाएगा, मिड ऑन पे जाएगा, और कवर ड्राइव मारने मुझे लगता है कि मैं शायद ना खेल पाऊं, ठीक है। और यंगस्टर तो फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए, अगर वो गलत बैट पकड़ लेते हैं, ग्रिप गलत कर लेंगे तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और अगर हम इसको ज्यादा आगे से पकड़ लेते हैं, ये आप देख सकते हैं हमने मतलब ब्लेड को खोल लिया आपने, तो ये ब्लेड मेरा खुल गया। अब अगर मैं सीधा भी खेलूंगा तो मेरा फेस देख रहे हैं बैट का, वो थोड़ा तिरछा हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट स्लिप पे कैच आउट होने के और आउटसाइड एज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप इसका बेनिफिट समझ गए होंगे कि स्प्लाइस पे रखने का क्या बेनिफिट है, ठीक है। और कई सारे मॉडर्न डे प्लेयर हैं जैसे स्टीवन स्मिथ हैं, ठीक है, उनका बैट पकड़ने का तरीका बहुत अलग है, बल्कि स्टार्ट भी उन्होंने कन्वेंशनली किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उनका ये हाथ इधर आ जाता है और स्प्लाइस पे सब कुछ सेम, व्हील पे लेने के बाद उनका ये हाथ बॉटम हैंड इधर हो जाता है और फ्रंट जो टॉप हैंड है वो इधर हो जाता है। तो आपने उनका देखा होगा वो ओ शेप से शॉट लेते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर भी आए जो बहुत अनकन्वेंशनल बैटिंग ग्रिप करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम बहुत कन्वेंशनल, जो मैंने वर्ड पहले यूज किया ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल स्टाइल ही बता रहे हैं बच्चों को जो स्टार्टर है, ठीक है। जो आप ये ग्रिप होल्ड करोगे ये ज्यादा गैप नहीं रहेगा दोनों में, ठीक है, सिर्फ एक फिंगर का गैप होगा दोनों हाथ के बीच में, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर सेकंड पॉइंट, वेयर टू होल्ड द हैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स के अलग अलग व्यूज होते हैं, बहुत कोचेस के अलग अलग व्यूज होते हैं, लेकिन जैसा मैंने फिर मैं इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट होने पे कहा कि मैं ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल स्टाइल आपको बता रहा हूँ, तो उसमें जो हमें कोचेस बताते हैं और कॉपी बुक स्टाइल बताते हैं वो बताते हैं आपको बैट को मिडिल से होल्ड करना है, बैट के हैंडल को, यू हैव टू होल्ड द बैट हैंडल फ्रॉम मिडिल, ठीक है, ना ही ज्यादा ऊपर से और ना ही ज्यादा नीचे से, ठीक है, ठीक है। अगर आप ज्यादा नीचे से पकड़ लेते हो तो क्या होगा, आपका शॉट पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आप स्क्वायर कट पुल ये सारे शॉट आप बहुत अच्छा खेलोगे, ठीक है। लेकिन जहां आपको लिवरेज चाहिए होगा लंबा हिट करने के लिए, रेंज हिटिंग, वहां आपका रीच नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आपको वो पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। और कई ऐसे प्लेयर आए इंटरनेशनल प्लेयर जो बॉटम हैंड से खेले और बहुत अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन जैसे मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि हम अभी यंगस्टर को बता रहे हैं तो हम उनको कन्वेंशनल स्टाइल ही बताएंगे।
अब हम आते हैं टॉप हैंड से। अगर क्या होता है अगर मैं टॉप हैंड से बैट पकड़ता हूँ तो इसमें मुझे लिवरेज तो पूरा मिलेगा मारने को, बहुत अच्छा लगेगा मारने में, पावर हिटिंग अच्छी होगी इससे, लेकिन फिर मैं इससे डिफेंस और सिंगल इन सब चीजों में फंस जाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं रहेगा मेरा बैट पे। तो दो चीजें, अगर आप टॉप हैंड से पकड़ते हैं तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, लिवरेज पावर अच्छा मिलेगा, और अगर आप बॉटम हैंड से पकड़ते हैं तो आपको लिवरेज नहीं मिलेगा लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें बताया जाता है कि आप यू हैव टू होल्ड द बैट फ्रॉम मिडिल ऑफ द हैंडल, नाइदर बॉटम नॉर टॉप, ओके। और आपको ऐसे भी नहीं पकड़ना है दोनों को दूर दूर, जैसे मैंने वीडियो के अभी बीच में पहले बताया कि आपको दोनों हाथ के बस एक फिंगर का गैप हो, बस डेट सेट एक फिंगर का गैप हो। अगर आप ज्यादा ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये दोनों हाथ एक साथ नहीं चलेगा, ये दोनों हाथ एक साथ चलेगा तभी आपके शॉट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर आपका दोनों हाथ एक साथ चलेगा तब आपके शॉट्स अच्छे आएंगे, अगर आपका ये ऊपर नीचे हाथ हो जाता है तो शॉट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं दोनों हाथ इतना ऊपर नीचे रख के खेलूं तो। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए, कहां पे होल्ड करना है और कैसे होल्ड करना है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए इस वीडियो से काफी कुछ। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं कि बिगनर्स हैं और ये जो एज ग्रुप होता है 4 से 7 साल का, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इक्विपमेंट्स को अरेंज करने में। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था जब आमिना ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो मुझे इसके ग्लव्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह अरेंज करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो मैं नहीं चाहता जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो उनके इक्विपमेंट्स में। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साइज 1 का बैट भी है जो छोटे बच्चों के लिए इजीली आप ले सकते हैं, और अगर आपको कस्टमाइज कराना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम बताएंगे छोटे बच्चों की स्टांस कैसे सेट की जाए, कैसे बिगनर्स का स्टांस सेट किया जाए। सो अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। एंटिल देन प्ले हार्ड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।